एवरीवन हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आईपीएस तिवारी, फिजिक्स टीचर्स, जुपिटर क्लासेस रियल, जुपिटर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप तब कोविड-19 के कारण पढ़ाई से प्रतिबंधित थे, तो मैं आपके लिए मेरी कोचिंग क्लास आपको ऑनलाइन क्लासेस सुविधा प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपको 1 जुलाई से कंटिन्यू टॉपिक बाई टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और आप जो भी समस्याएं हो आप कमेंट करें और आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं क्लास 12वीं के छात्रों के लिए फिजिक्स में कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन टॉपिक से पहले अपन अपने छात्रों को बताना चाहता हूं कि आपके फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से टोटल कितने नंबर का आएगा, कितने मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितने मार्क का 2 नंबर 3 नंबर एंड 4 5 जो कुछ भी नंबर प्रोवाइड किए गए तो आपको मैं चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए अपन देखते हैं फिजिक्स में आप ये हमारा ब्लूप्रिंट दिया गया है। फिजिक्स का हमें यहाँ पे एक साइड सीरियल नंबर लिखा है, ये आपके यूनिट के नाम हो गए हैं, ये आपके टोटल नंबर है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी कक्षा 12वीं की फिजिक्स में टोटल यूनिट्स अब 9 है, इसके पहले 10 यूनिट थे, लेकिन पिछले साल जो आपका लास्ट यूनिट था संचार के सिद्धांत उसे हटा दिया गया है, आपके फिजिक्स में टोटल अब 9 यूनिट है और इस यूनिट को कंटिन्यू चैप्टर में डिवाइड किया गया। तो आपकी 12वीं की पहले यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर विद्युत को मुख्यतः 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, इसे 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। इसे पहले पार्ट का नाम रहेगा आपका यही स्थिर क्षेत्र एवं धारक में, दूसरे का नाम हो जाएगा विद्युत विभव और तीसरे का नाम हो जाएगा चालक एवं संधारक। 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, इन तीनों चैप्टर से मिला करके टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। उसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 1 लास्ट क्वेश्चन रहेगा 5, तो 1+1+5=7, यानी कि टोटल फर्स्ट यूनिट से 7 नंबर तो आपको मेन एग्जाम में दिया जाए, शायद आप समझ पा रहे होंगे। फिर जब अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर का नाम है धारा विद्युत इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से जैसा मैंने बताया इसको 3 चैप्टर डिवाइड किया गया 3 चैप्टर में, इसी प्रकार से आपके धारा विद्युत इलेक्ट्रिक करंट को भी 3 चैप्टर में ही डिवाइड किया गया है। इसमें भी कंटिन्यू जैसे धारा विद्युत हो गया 4 चैप्टर का नाम, फिर 5 चैप्टर का नाम रहेगा आपका सेल दिया जाएगा और जो आपका चैप्टर 6 है उसमें आप पढ़ेंगे विभव मापी पोटेंशियो मीटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन तीनों चैप्टर अथवा शिखा के बीच जो टोटल क्वेश्चन आएगा टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाएगा मेरे एग्जाम में, उसमें से आपको इस पार्ट से भी 2 ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे, तो 1+1+3+3 टोटल आपका 8 नंबर का रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन 60 रहेंगे 3-3 नंबर के। फिर अपन जब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट क्या है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म के बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। ओके, अब हमारे जो थर्ड यूनिट है इसको भी 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है छोटे छोटे पार्ट में, इसको अपन कह सकते हैं चैप्टर 7 में, इसमें आपके इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में बताया गया है। चैप्टर 8 में उसी का दूसरा पार्ट जो कि हमारा मैग्नेटिक है, हमारे लाइफ में कहां कैसे यूज होता है और इसको अपन कितना यूज कर सकते हैं, और चैप्टर 9 जो अपन पढ़ेंगे उसमें इसके इफेक्ट को बताया गया है। फिर देखेंगे तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, टोटल मार्क रहेगा आपका 6 नंबर का, इसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 1 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का, तो 1+1+4=6 टोटल नंबर आपके 6 रहेंगे। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ यूनिट, तो फोर्थ यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्टेंस, इस चैप्टर यूनिट का नाम है। इस यूनिट को भी
यहाँ पे कैसे कुछ बुक में दो चैप्टर में कुछ बुक में तीन चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इस यूनिट से टोटल क्वेश्चन आएगा, टोटल नंबर आपके रहेंगे 10 मार्क, 1 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट आंसर एंड 1 लॉन्ग आंसर, 1 + 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 10। टोटल आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। फिर अपन ये बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 छोटा सा, बहुत ही पूरे फिजिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है, यूनिट कहा जाए तो ओनली यूनिट 5 है। यूनिट 5 वो अपने आप में एक यूनिट भी है और वह अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर भी है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं है। ओनली 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये आप देख पा रहे होंगे, 2 ऑब्जेक्टिव और 1 2 मार्क का क्वेश्चन। अगर आप कंपटीशन के हिसाब से पढ़ते हैं लिखनी पड़ी है, नहीं तो आप इससे ओनली छोटे क्वेश्चन 2 मार्क 2 नंबर्स के और आप ऑब्जेक्टिव पढ़ जाइए तो आपको 4 या 6 मार्क मिल सकते हैं। तो इसमें ओनली 1 चैप्टर में डिवाइड है। फिर अपन बात करते हैं प्रकाश की, ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में बात करने वाली फिजिक्स है, तो फिजिक्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक आपका क्लासिकल फिजिक्स है और एक आपका मॉडर्न फिजिक्स है। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो 1900 में पहले अध्ययन किया गया था, तो क्लासिकल फिजिक्स में डिवाइड किया गया, और जो 1900 के बाद का अध्ययन किया गया उसे मॉडर्न फिजिक्स में डिवाइड किया गया। क्लासिकल फिजिक्स में आपकी जितने भी लॉज हैं, चाहे कूलम का लॉ हो, न्यूटन का लॉ हो, कैपलर का लॉ हो, एनी लॉज, कोई भी नियम है वो आपके सारे लॉज हैं तो मॉडर्न सॉरी क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। बट जो मॉडर्न फिजिक्स है, जितने भी अपन के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड होती है। उसी प्रकार से जो हमारे 12th की फिजिक्स उसको 3 भाग बांटा गया, जैसे कि इसने आपने देखा यहां से यहां तक लेकर आपको इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में बताया गया है, एक पूरा कंप्लीट। इसके बाद आपका दूसरा सॉरी यहाँ पे दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक के बाद चुंबक के बारे में बता गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक हो गया, और थर्ड जो है आपका ये आपका ऑप्टिक्स के बारे में, यानी कि 12th की फिजिक्स को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। तो अब अपन देखेंगे जो प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट था इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रकार से प्रकाशिकी आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाशिकी से बात करेंगे तो टोटल इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर आ रहा आपका 13 नंबर, 13 नंबर पे इस बार की फिजिक्स में मैक्सिमम अंक आपके यूनिट 6 से दिया जाएगा। इसको भी 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया, 3 चैप्टर में, कुछ बुकों में 4 भी डिवाइड किया गया, लेकिन हम आपको 3 चैप्टर में डिवाइड करके स्टडी करवाएंगे। तो इस 3 चैप्टर में से अगर आप देखेंगे तो आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, एनी केस में। और आपके 1 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क का एंड 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 4 मार्क के। टोटल दैट इज इक्वल 4 + 4 + 8 + 11 + 12 + 13, टोटल 13 नंबर का यूनिट 6 से आपको दिया जाएगा मेन एग्जाम में। फिर जब अपन बात करते हैं चैप्टर 7 की बात करते हैं तो इसका नाम है द्रव्य तथा विकिरण की व्याप्ति प्रकृति, मैटर्स एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के नाम से कह सकते हैं इसमें। मैटर्स एंड रेडिएशन ऑफ डुअल नेचर में टोटल क्वेश्चन 4 नंबर का दिया जाएगा, यानी कि यह यूनिट जो है यूनिट 5 जैसे है इसमें 4 नंबर का था। आप 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक क्वेश्चन वेरी साइड आंसर अति लगभग 3 प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। इसमें भी अगर आपको डीपली पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, अगर आप इसमें नंबर अच्छे लाना चाहते हैं, कम पढ़ना चाहते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव के साथ वेरी साइड आंसर पढ़ लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। फिर जो हमारे फिजिक्स में यूनिट 8 है इसे पिछले साल ऐड किया गया है, अभी तक ये नहीं थे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा परमाणु तथा नाभिक एटम एंड न्यूक्लियस, इसे भी इसको एक चैप्टर में डिवाइड किया गया था और इसे पुनः 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम रखा गया है परमाणु और दूसरे का नाम रखा गया है नाभिक। इस टोटल यूनिट से जो क्वेश्चन आपके नंबर दिए जाएंगे 10 मार्क का क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 10 मार्क में से इसमें से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव, इस पार्ट से ज्यादा ऐसा एक चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर अच्छे पाने के लिए स्मार्ट को आप इसके ऑब्जेक्टिव अच्छे से लर्निंग कीजिए। इसके साथ आपका वेरी साइड आंसर 2 नंबर का और एक साइड आंसर 4 नंबर का
आप एग्जाम में आएगा, इसे आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टेड है क्योंकि प्रमाण हमारा जीवन में शुरुआत प्रमाण से होता है और आपके केमिस्ट्री में भी है और थोड़ा बहुत बायोलॉजी में भी है, फिजिक्स में भी है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, दिलचस्प टॉपिक है, इसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। फिर नाउ लास्ट जो हमारी फिजिक्स 12वीं की फिजिक्स का लास्ट यूनिट है वह है आपका यूनिट 9। इसे अपन नाम दिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप मोबाइल डिवाइस का यूज करते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर और आईसी, इसमें भी आपकी आईसी वगैरह लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसको आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ें क्योंकि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि हमारे लाइफ में एक अहम हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में कहीं ना कहीं जिसने आपको हर जगह एसएससी एमएससी नीट जेईई कोई भी एग्जाम कम्पिटिशन दे, इससे मैक्सिमम अंक के क्वेश्चन सर्किट डायग्राम आपको दिए जाते हैं और यह अपने आप में कह सकते हैं कि इस बुक में वन चैप्टर में डिवाइड है और इस पार्ट से टोटल आपका 8 नंबर 1 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए मेन एग्जाम में दिया जाएगा, उसमें से 3 ऑब्जेक्टिव और 1 5 मार्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। इस प्रकार से जो आपकी टोटल फिजिक्स से बातें की इसे टोटल 9 यूनिट में और चैप्टर की बात करें तो 3 3 6 3 9 3 12 1 13 3 16 17 19 20 टोटल जो चैप्टर हमने डिवाइड किया है, हमने पुराना ही परफॉर्मेंस लिया है 20 चैप्टर 10 यूनिट 70 मार्क। इस पूरे 20 चैप्टर से कुल आपके फिजिक्स में 70 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले 75 आता था लेकिन अब 60 करके आपको 70 कर दिया गया है और इसी में से आपको प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, टोटल 100 नंबर आपको अर्ज करने हैं। अब आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में, मेन एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो पहला तो है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कितने आते हैं कह सकते हैं, तो 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन आते हैं, उसे 4 सेगमेंट डिवाइड किया जाता है। पहला आपका ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव आता है, दूसरा आपका फिल प्लान खाली स्थान रहता है, तीसरा आपका वन वर्ड अथवा ट्रू फॉल्स और फोर्थ आपका मैचिंग वेरिएबल आता है। इन 4 भाग में ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करके 20 नंबर का एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरा आपका 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 6 6 नंबर के क्वेश्चन हो गया 20 6 26। फिर तीसरा आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 9 26 9 9 6 15 35 हो जाएगा। इसके बाद आपका 4 नंबर के, तो 4 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 5 20 4 5 20, इस प्रकार से आपको हो जाएगा 55 55 नंबर का। और नाउ लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर के, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, 5 3 15 5 3 15 और 55 55 55 5 60 10 70, टोटल 70 नंबर का। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए, हमने यहाँ लिखा है 40 + 4 = 80, मतलब कि आपके 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएंगे, 14 आपके साइड वेरी साइड साइड फिर लॉन्ग और वेरी लॉन्ग के रूप में एक क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 18 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आते हैं, 18 क्वेश्चन रहेंगे, 70 नंबर का रहेगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल दिया जाएगा। इस प्रकार से जो हमारी 12वीं की फिजिक्स है, 12वीं की फिजिक्स का आपने बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण चीज दी है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आपको पार्ट को पढ़ने में, एग्जाम की तैयारी करने में और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब अपन बात करेंगे 12वीं का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर को अपन देखते हैं। पहले चैप्टर का जो नाम है, यूनिट का नाम लिखा स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट अब अपन इसको ब्लूप्रिंट अगर आप लोग चाहें तो इंग्लिश करते हैं और अपन इसमें डालते हैं यूनिट फर्स्ट का थोड़ा सा, तो यूनिट फर्स्ट का नाम है स्थिर विद्युत। तो अब अपन इसी में बात करेंगे स्थिर विद्युत के बारे में। फिजिक्स 12th में चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यूनिट फर्स्ट का नाम हमने बता भी चुका हूँ ब्लूप्रिंट में, इसका नाम है स्थिर विद्युत। तो अगर हम देखते हैं डीपली तो इस यूनिट से ही 2 क्वेश्चन हमारे मन में आ चुके हैं, पहला क्वेश्चन तो विद्युत क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन स्थिर विद्युत क्या होता है। तो विद्युत तो शायद आप सभी जानते होंगे, विद्युत के अनेकों नाम हैं, चपला चंचला दामी सौदामी छड़ प्रभा बिजली इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन फिजिक्स के स्टैंडर्ड भाषा में विद्युत एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब
से उत्पन्न हुआ है। तो विद्युत की परिभाषा कही जाए तो विद्युत की खोज सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। यानी कि अपन अगर फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का जनक किसे कहते हैं तो आपन इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने विद्युत के बारे में बताया था इसलिए उन्होंने फादर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने विद्युत की बहुत ही सुंदर परिभाषा बताई थी, ब्यूटीफुल डेफिनेशन, कि जिस पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे अपन विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत को अपन परिभाषित किए, लेकिन हम पहले इस पाठ का नाम स्थिर विद्युत, हम बात करेंगे कि स्थिर विद्युत क्या होता है। सर सभी को जानते हैं, कहते हैं टिक पॉट टाइम जैसा कि तैसा, नाम से स्पष्ट है, क्लियर है। तो स्थिर का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। इसे बोलते हैं कि अपन स्थिर है, स्थिर मीन्स रुका हुआ, और विद्युत का मीन्स क्या होता है आवेश। यानी कि रुके हुए आवेश को ही अपन कहते हैं स्थिर विद्युत। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाठ का नाम, क्योंकि मेरा बस पहला क्वेश्चन ही रहता है कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं तो आप पढ़ने का पर्पस क्या है। हमने आपको क्लास में कई बार बोलते हैं कि साइंस का मीन्स ये होता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, तो आप क्वेश्चन इसमें जानना चाहिए। हम इसी से पहले आप मेरा क्वेश्चन मार्क किए, बता दिए कि स्थिर विद्युत क्या है, तो आप इसको आसान शब्द से बोल सकते हैं कि स्थिर मतलब रुका हुआ और विद्युत का अर्थ होता है आवेश, अर्थात रुके हुए आवेश को ही क्या बोलते हैं स्थिर विद्युत। अब आवेश आपका रुका नहीं हुआ और चलता हुआ भी आवेश हो सकता है, लेकिन इस पार्ट में क्लियर हो गया है कि हम सिर्फ उसी आवेश का अध्ययन करेंगे जो आवेश क्या होगा रुका रहेगा। यानी गतिशील आवेश का अध्ययन अपन इस चैप्टर में नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में मान रुके हुए आवेश रेस्ट चार्ज का अध्ययन कर सकते हैं, ना कि स्टैटिक्स या मूविंग चार्ज का अध्ययन करेंगे। फिर हमने विद्युत के बारे में बताया गया कि विद्युत बना बता रहे हैं कि विद्युत की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जिस कारण से उन्हें विद्युत का जनक फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करेंगे कि जैसे हमने बोला विद्युत को आवेश कहते हैं, तो अब बात करते हैं आवेश, आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन करे कि चार्ज क्या है, आवेश क्या होता है, आपने लेवल में पढ़ा है बहुत, क्योंकि एक चार्ज का तात्पर्य कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में जीवन बहुत ही सक्सेस होगा अगर आप अपने लाइफ में कहीं चार्ज कर रहे हैं। हमारी बॉडी जो है वो भी चार्ज है। देखिए हमारी फिजिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है कि आपके लाइफ में प्रत्येक समय में कहीं ना कहीं कोरिलेट संबंधित रहती है और आपके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग होती है। आपने चार्ज पढ़ा जैसे फोर्स, हमने फोर्स पढ़ा, न्यूटन का लॉ पढ़ा, कैपलर्स का लॉ पढ़ा, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, जितने भी नियम पढ़े हैं वो सारे नियम क्या है हमारे जीवन को कहीं ना कहीं उतरते होंगे। आपको छोटी सी बात बताएं इसको पढ़ाने से पहले, कि अपन फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स की परिभाषा प्रत्येक मतानुसार अलग अलग है। कुछ टीचरों का कहना है कि फोर्स वह है जिसमें क्या होता है, जिसे अपन किसी चीज को धक्का दे दें, छोटी सी परिभाषा बोली गई पुश आर पुश एनीथिंग दैट इज कॉल्ड फोर्स, या फिर कह सकते हैं एनीथिंग पुश आर पुश दैट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु को धक्का देना और खींचना बल कहलाता है, लेकिन हम इसे कंप्लीट सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे हिसाब से परिभाषा गलत है, हमने किसी को धक्का दे दिया फोर्स नहीं। सपोज दैट हमने बोर्ड को व्हाइट बोर्ड को टच किया, अब इसमें फोर्स क्या है आप ही बताइए क्या है फोर्स, आप ही नहीं कैसे कह सकते हैं फोर्स। फोर्स मतलब धक्का देना खींचना नहीं, फोर्स मतलब यह होता है कि फोर्स को अपन जिस ऑब्जेक्ट पे जिस वर्डिंग पे हम उसमें इसको लगाते हैं फोर्स, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन चेंजिंग आनी चाहिए। अगर चेंजिंग है उसे अपन फोर्स कहेंगे, बट अगर उस ऑब्जेक्ट में उस वर्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आ रहा उसे अपन फोर्स नहीं कहेंगे। मतलब कि यहां से हम फोर्स को परिभाषा जो है गलत साबित करता हूं। मेरा मानना तो यही है कि फोर्स अपन तभी कहेंगे जब उस वस्तु में बल के कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। फिजिक्स हमारी एक अपने आप में बहुत विशाल है, हर व्यक्ति का मत अलग अलग है, हम ये नहीं कह रहे कि कौन सा गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड अपन गलत कह सकते हैं क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो बल की परिभाषा अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन परिभाषा आपको बताएं फोर्स क्या होता है, तो
अपन ऐसा कह सकते हैं कि बल एक बाह्य कारण है जिसके कारण किसी वस्तु में बल लगाने पर उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अगर परिवर्तन होता है तो भी या परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो भी वह बल कहलाएगा, अन्यथा अगर एक ऐसा बल नहीं है तो अपन उसको बल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बल की खोज सर आइज़ैक न्यूटन ने किया था, आपको पता होगा। जो हमारा फोर्स है बल है, इस बल को चार भागों में स्टैंडर्ड फंडामेंटल फोर्स बल को चार भागों में बांटा गया। एक आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है आपका न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल और चौथा है आपका क्षीण बल। अब देखिए अगर इन बातों को बल गए, बाकी जो हमारे फोर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसमें हम कह सकते हैं कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, और अपन कह सकते हैं इसमें आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, इंग्लिश में कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्स, रिपेलेंस फोर्स, बहुत सारे फोर्स होते हैं। लेकिन मैं फिजिक्स के साथ साथ आपको लाइव में पढ़ाना चाहता हूँ, तो आपके फंडामेंटल फोर्स के साथ साथ थोड़ा सा आपके परिवार में देखा जाए तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, जैसे अगर आप उसको बात करें कि आकर्षण बल क्या है और प्रतिकर्षण बल क्या है तो अपन आवेश में अध्ययन करेंगे। लेकिन आवेश को जानने से पहले आपको बता दें कि आकर्षण बल मतलब ये होता है कि जब दो चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव करें उसे अपन क्या कहेंगे, आकर्षण बल, और जब दो चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करें उसे अपन क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अब सपोज दैट मानते हैं कि कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं, अगर अपने लाइफ में उसको फॉलो करें तो अगर एक ही माता पिता के चार संतान हैं और चारों में से अगर देखा जाए जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को माता पिता के प्रति काफी प्यार और उत्साह होता है। अगर माता पिता कहीं बाहर से कहीं से आते हैं तो चारों बच्चे दौड़ के ही होते हैं कि मेरी माँ और मेरे पिता है। तो वहां पे क्या हो रहा, देखिए जब बच्चे छोटे थे तो वहां पे अट्रैक्शन काफी ज्यादा था, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल कार्य करता है। बट समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, जब वही माता पिता आपके वृद्धावस्था में आते हैं और आप एक ओल्ड एज में आते हैं और हो सकता है कि माता पिता की अचानक तबीयत खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो वही भाई आपस में लड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि माँ तुमको ज्यादा मानती है, माँ या पिता की दवा आप कराएं हम नहीं कराएं। और हो सकता है यही करते करते बेचारे माता पिता इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं और वहां पे क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण बल। तो माता पिता वही थे, संतान नहीं थे, लेकिन दोनों के बीच जो सोच थी बदल गई। तो यहाँ पे हमारा जो फिजिक्स है तो आपके परिवार से रिलेटेड मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में काफी होता है। मैं फिजिक्स साथ साथ आपको पारिवारिक संबंधों से जोड़ना चाहता हूँ कि आप ओनली अट्रैक्टिव रहें, रिपेल ना करें, आपको अट्रैक्शन आकर्षण पे चलना है, प्रतिकर्षण पे नहीं चलना है। अब हम बात करते हैं चार्ज की हिस्ट्री की, तो आवेश की हिस्ट्री क्या होती है। अगर हम डायरेक्टली बताना चाहें तो हम आपको बता चुके हैं कि विद्युत को ही अपन क्या बोला है, आवेश, और विद्युत की खोज हिस्ट्री की बता चुका हूँ कि अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत की खोज की थी। लेकिन अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, आवेश का इतिहास। आवेश के इतिहास की बात करें इसमें चार साइंटिस्टों का अलग अलग खोज है। सबसे पहले जो खोज किए थे तो इसमें खोज किए थे आवेश में आपके थेल्स हैं, थेल्स के साथ साथ आपके गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट के बाद लास्ट में आपके हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, थेल्स, डॉक्टर गिलबर्ट और यहां पर हुआ थॉमस ब्राउन। ये चार महान साइंटिस्ट हैं, महान आत्माएं हैं जो कि आवेश के इतिहास के बारे में बताए। तो थिल्स ने बताया था 600 से 700 ईसा पूर्व, 600 से 700 ईसा पूर्व यानी कि प्रारंभिक चरण, शुरू में इतिहास में सबसे पहले थिल्स ने आवेश की खोज की थी। उन्होंने बताया था जो हमारा आवेश है इसमें जो हमारा अंबर होता है, अंबर को क्या करते हैं अपन एवोनाइट की छान अथवा बिल्ली की खाल से जब रगड़ते हैं उसमें क्या होता है कि एक आकर्षण की उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। लेकिन थिल्स
इसे बहुत दिन तक करने में सक्सेस नहीं हुए और उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद दूसरे हमारे महान लग जाने डॉक्टर गिलबर्ट जी आए। डॉक्टर गिलबर्ट ने यही बताया कि इन्होंने क्या बताया था, अंबर एगोनाइट और बिल्ली की खाल इनमें बताया था। जब हम बात करते हैं डॉक्टर गिलबर्ट की, तो डॉक्टर गिलबर्ट आपके आते हैं सन 1600 ईसा पूर्व में, और 1600 ईसा पूर्व में 1600 ईस्वी में इन्होंने बताया कि अंबर के अलावा सीसा हो गया, लेदर चमड़ा हो गया, और इसके साथ साथ एवोराइड भी रहेगा। इन किसी में भी आकर्षण हो, घर्षण रगड़ने पर घर्षण तो होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। फिर हम बात करते हैं थॉमस ब्राउन की, इन्होंने सन 1646 ईस्वी में बताया। देखिए इन दोनों ने क्या बताया था, यहाँ पे डिफरेंस बहुत बड़ा है। इन दोनों ने बताया कि ओनली आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन थॉमस ब्राउन ने बताया नहीं, मैंने बोला ना हाँ इसमें आकर्षण नहीं, आकर्षण के साथ साथ इसमें विकर्षण प्रतिकर्षण जो कुछ कर है ये भी हो सकता है, यानी कि आकर्षण के साथ साथ इसमें प्रतिकर्षण भी हो सकता है। प्रतिकर्षण को जिसे कहते हैं रिपल्स, तो आगे हम प्रतिकर्षण की खोज ने किया थॉमस ब्राउन ने। आकर्षण के बारे में दो वैज्ञानिकों ने बताया, फिर से डॉक्टर गिलबर्ट, लेकिन प्रतिकर्षण की खोज ने किया थॉमस ब्राउन ने। और लास्ट में वर्धमान आत्मा महान साइंटिस्ट जो कुछ कहे हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हम तो उनके कहे गए कथनों के आधार पर चल रहे हैं, हम कुछ नहीं है। इन्होंने ये बताया कि आवेश जो है इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन और इन्होंने आवेश के प्रकार के बारे में भी बताया, और यही से आवेश की परिभाषा और आवेश के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने बताया था आवेश की परिभाषा, अगर आप लिखना चाहते हैं, जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो आप अपनी तुरंत कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डालिए, आप डालिए कॉपी में ऊपर यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत का पहला टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आवेश निकालिए। आप भी बोल रहे हैं जो आप लोग देख पा रहे होंगे, आप कॉपी में निकालिए और तुरंत लिखिए आवेश। चलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ आवेश की परिभाषा, तो शुरू करें। आप लोग रेडी है, ठीक है, आप लिखिए, सभी को रेडी हो गए हैं। तो आवेश क्या लिखिए, वह पदार्थ जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है या अपने कारण आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, आवेश। अथवा जिस पदार्थ के कारण छोटी छोटी वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, आवेश। लिख गया सभी का, क्या पुनः रिपीट करें, अगर आपसे कोई बोले कि आवेश क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, आपको जवाब देना है वह पदार्थ जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या आकर्षित करने का प्रयास करता है उसे अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। मैंने 3 times रिपीट किया, अगर लिख गया तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। फिर आगे लिखिए कि आवेश का आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसी कारण से बेंजामिन फ्रैंकलिन को आवेश या विद्युत का जनक कहा जाता है। इट्स ओके। अब देखिए अपन बात करते हैं आवेश के बहुत सारे निकलेंगे, प्रकार निकलेगा, फार्मूला निकलेगा, डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा। हम बात करते हैं सबसे पहले आवेश का जो मात्रक है, तो आवेश नोट लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवेश का SI मात्रक कूलाम है। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का SI मात्रक, या लिख सकते हैं अपन आवेश का SI मात्रक कूलाम है, और इसका सीजस मात्रक, सीजस मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड, सीजस मात्रक क्या है, स्थायित कूलाम होता है। क्या होता है, स्थायित कूलाम होता है। बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आवेश का SI मात्रक क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, कूलाम, और सीजस मात्रक स्थायित कूलाम, क्योंकि कहीं ना कहीं कूलाम, कूलाम का पूरा नाम जो है अंगास्टिक कूलाम है,
इन्होंने भी आरएस के क्षेत्र में काफी कार्य किया है बेंजामिन के बाद, इसीलिए बेंजामिन को सम्मान रिस्पेक्ट न देकर के अंगाश्री गुलाम को रिस्पेक्ट दिया गया और उनके सम्मान में ही इसका एसआई मात्रक क्या रखा गया, गुलाम रखा गया और सीएस मात्रक स्थायित गुलाम रखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। हम आपको सुनेंगे अकॉर्डिंग टू फैमिली, आप हमने समझाया है कि आवेश के कितने प्रकार बांटा गया है। अब अपन पुनः लिखित देखते हैं कि आवेश के प्रकार टाइप्स ऑफ चार्ज या काइंड्स ऑफ चार्ज। हम लिखते हैं आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, राइटिंग में इंग्लिश खराब है, राइटिंग पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां इंग्लिश लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज या काइंड्स ऑफ चार्ज या वेरियस ऑफ चार्ज, जो वर्ड आपको यूज करना हो आप कर सकते हैं। तो अपन बात करेंगे आवेश के प्रकार के बारे में, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक आवेश, क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश, जिसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश जिसे अपन बोलते हैं निगेटिव चार्ज। यानी कि आवेश मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको यह क्लास मेरी फर्स्ट क्लास थी, ऑनलाइन क्लास के लिए काफी बढ़ा रहा हूँ, बट ऑनलाइन क्लास फर्स्ट क्लास है। आई होप कि आपको यह क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, बट अगर आपको एनी डाउट है और अगर आपको कोई कमी लगती है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और एनी भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं बाय कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।